नमस्कार दोस्तों, स्वादिष्ट व्यंजन में आज हम कॉर्न कैप्सिकम पराठा बनाने जा रहे हैं, जो देखने में तो जितना सुंदर है खाने में उतना ही स्वादिष्ट है और बनाना तो बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाते हैं। पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है। आप चाहें तो इसके जगह मैदा भी ले सकते हैं या 1 कप मैदा और 1 कप आटा भी ले सकते हैं। ये हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, 2 चम्मच इसमें तेल डाल देंगे और इस आटा को अच्छी तरह से मिला लेते हैं मोइन को। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस आटे को गूंध लेंगे। इस आटे को ज़्यादा टाइट या ज़्यादा नरम नहीं करना है, मीडियम करना है। ज़्यादा नरम करेंगे तो पराठा आपका फट जाएगा और ज़्यादा टाइट में भी पराठा फटने का डर है। इस आटे को हम चिकना करके 15-20 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं। पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 स्वीट कॉर्न ली है। ये फ्रोजन या उबली हुई मक्का नहीं लेंगे, फ्रेश मक्का लेंगे। ये पर यहाँ चीज़ है जो हमने ग्रेट कर ली है। एक आलू है जिसे हमने मैश कर लिया है। एक शिमला मिर्च है जिसे हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। धनिया पत्ता है। काली मिर्च है जो एक आधी बड़ी चम्मच है। आधी बड़ी चम्मच लाल मिर्च है। उतनी ही हमने चिली फ्लेक्स लिया है। चाट मसाला है जो 2 छोटी चम्मच है। गरम मसाला है 1 छोटी चम्मच है। इटालियन हर्ब्स है जो 1 आधी बड़ी चम्मच है। धनिया जीरा पाउडर है वो भी 1/2 बड़ी चम्मच है। धनिया है जो हमने कूट कर आधा दरदरा कर लिया है वो भी 1 टेबल स्पून है। नमक स्वाद के अनुसार है। और हींग लिया है जो 1 छोटी चम्मच है। मसालों को हम मिला लेते हैं। लाल मिर्च है, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, गरम मसाला, हींग, काली मिर्च, दरदरा धनिया, इटालियन हर्ब्स, धनिया जीरा पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। अब हम इन मसालों को मिला लेते हैं। ये मसाले बहुत ही स्वादिष्ट हो गए। ये अपने पराठे के स्वाद को बहुत बढ़ा देंगे। इस मसाले को आप 2-4 महीने मिलाकर भी रख सकते हैं। जब पराठा बनाना हो तब यूज कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इस मक्का को काट लेंगे। इसे इस तरह से काटना है, एक धारदार चाकू लेंगे और इस तरह से इसको काट लेंगे। पूरी मक्का को इसी तरह से काट लेंगे। मक्का के दानों को हमने मक्का से अलग कर लिया है। अब हम स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा ली है। इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देते हैं। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। कढ़ाई में कैप्सिकम और कॉर्न डालकर भून लेते हैं। पराठे तो आपने बहुत प्रकार के बनाए होंगे और खाए भी होंगे। आज हम एक अलग तरह से पराठा बना रहे हैं। हम कॉर्न शिमला का पराठा बनाएंगे जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और अलग हटके भी है। कॉर्न शिमला को हमने 2 मिनट भून लिया है। ये भून गया है, इसे हल्का ही भूनना होता है। अब हम गैस फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे 1 प्लेट में निकाल लेते हैं। इस मसाले को हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं। मसाला यहाँ पर ठंडा हो गया है। अब हम इसमें ये आलू जो ग्रेट करके लिए थे वो डाल देंगे। चीज़ भी डाल देंगे। चीज़ आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आती है। हमने यहाँ पर 4 क्यूब ग्रेट करके लिए थे। हरा धनिया जो 2 टेबल स्पून हमने लिया था उसे भी डाल देंगे और ये जो मसाला हमने लिया था उसे भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मसल कर मिक्स कर लेंगे। इस पराठे को हम बहुत मोटा सा बनाने वाले हैं क्योंकि ये स्ट्रीट साइड जैसा पराठा बनेगा और मसाला भी ज़्यादा भरेंगे हम इसे।
इतने मसाले से हम दो पराठे बनाएंगे, इसके दो गोले बना लेते हैं। एक बार बनाएंगे तो आपके बच्चे इसे बार बार बनाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। यहाँ पर हमने दो गोले बना लिए हैं, अब हम आटा चेक कर लेते हैं। आटा को रेस्ट करते हुए 20-25 मिनट हो गए, अब हम इसे चेक कर लेते हैं और थोड़ा सा मसल लेते हैं। इस आटे के हम दो गोले बनाएंगे। मोटा पराठा बनाने वाले हैं इसलिए हमने ज़्यादा सा आटा लिया है। इसको इस तरह से हम गोल बना लेंगे। हम इस तरह का बनाएंगे। आटा हमने सेमी टाइट लिया था, इसे ना तो टाइट किया था ना नरम किया था। अब हम इसमें एक गोला रख लेते हैं और इस तरह से धीरे धीरे करके इसको पैक कर लेते हैं। यहाँ आटा फैलाकर हम इसे थोड़ा हाथ से ही फैलाएंगे। इसे हल्के हाथ से हम इसे बेल लेंगे। हमने तवा गरम कर लिया है, मीडियम फ्लेम पर हम इसे सेक लेंगे। दो मिनट इसे सिकने देते हैं। पराठा तो को सिकते हुए 1.5-2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे पलट लेते हैं। इस पराठे को हम उलट लेते हैं। अब हम इसे घी से सेक लेते हैं। इस पराठे को हमने गोल्डन ब्राउन सेक लिया है, अब हम एक सर्विंग प्लेट में इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पर कैप्सिकम कॉर्न पराठा बनकर तैयार है। ये बनकर बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, आपके बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। इसे आप चटनी या दही से सर्व कर सकते हैं, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाने का मन करेगा। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में डालिए, रेसिपी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।